हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आशा है कि आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे मिल्क पाउडर से ऐसी रेसिपी बनाकर जिसे आप एक बार खाओगे तो बार बार बनाकर खाओगे। हाँ फ्रेंड्स, ये बहुत ही इजी तरीके से बन जाती है और यह बहुत ही स्वादिष्ट और अच्छी बनकर तैयार होती है। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने अपनी कढ़ाई अपनी गैस पर रख ली है। आपने कढ़ाई को चूल्हे पर रख लिया है। अब हम कढ़ाई के अंदर डालेंगे घी। तो फ्रेंड्स, मैंने इसमें अब देसी घी डाल दिया, आप देख सकते हो। ये मैंने हाफ कटोर लिया हुआ है, या फिर आप चम्मच के अकॉर्डिंग लो तो आप 4 से 5 चम्मच इसमें डाल सकते हो। तो देखिए, जब तक हमारा घी अच्छे से मेल्ट हो रहा है तब तक मैं एक गिलास में दूध ले लेती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारा घी मेल्ट हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 1 गिलास दूध। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा दूध हल्का हल्का गर्म हो चुका है। और देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसमें डालेंगे अपना मिल्क पाउडर। आपको थोड़ा थोड़ा करके ये मिल्क पाउडर इसमें डालना है और इसे अच्छे से मिला लेना है। मिल्क पाउडर आपको नॉर्मली शॉप से आसानी से मिल जाता है। आप इसे नॉर्मली किसी भी शॉप से ला सकते हो, ये सभी शॉप पर आपको आराम से मिल जाएगा। फ्रेंड्स, अब ये मैंने 250 ग्राम मिल्क पाउडर लिया हुआ है। 1 गिलास दूध में 250 ग्राम मिल्क पाउडर काफ़ी हो जाता है। तो आप इसी के अकॉर्डिंग लीजिएगा कि आपको 250 ग्राम दूध और 250 ग्राम मिल्क पाउडर लेना है। तो देखिए, मैंने ये सारा मिल्क पाउडर इसमें डाल दिया है। अब हम इसे दूध में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें जो लम्स होंगे वो भी ख़त्म कर लेंगे। एक बार आपको ऐसा फील होगा कि इसमें काफ़ी लम्स हो गए हैं, लेकिन आप अगर इसे हिलाते रहेंगे तो ये जो जितने भी इसमें लम्स हैं वे सभी ख़त्म हो जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अब मैं इसे इसी तरह हिलाती रहूँगी। आपको 1 मिनट के लिए भी बिल्कुल नहीं रुकना है। अगर आप रुक गए तो ये नीचे की तरफ लग जाएगा और आपकी मिठाइयों में महक हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आप इस बात का खास ध्यान रखें कि आपको रुकना बिल्कुल भी नहीं है, आप इसी तरह से हिलाते रहें। तो आपको इसे जब तक हिलाना है जब तक यह हमारा डो तैयार मतलब टाइट नहीं हो जाता, मतलब मिठाई वाली कंडीशन इसकी नहीं हो जाती, तब तक आपको इसे इसी तरह हिलाना है। और मिल्क पाउडर से आप बहुत ही बढ़िया बढ़िया बहुत ही अच्छी अच्छी रेसिपी बना सकते हो। अगर आपको मिल्क पाउडर की कोई भी रेसिपी देखनी है तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हो। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं इसे इसी तरह हिलाते रहूँगी। आपको इसमें इसे बनाने में 15 से 20 मिनट आराम से लग जाते हैं, लेकिन ये मिठाई बनती बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही अच्छी है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये बनकर तैयार हो चुका है। अब मैं इसे अपनी गैस पे उतार लूँगी और आप देख सकते हो हमारा इस प्रकार का ही है जो बनकर तैयार हुआ है। अब मैं इसे 10 से 15 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ और इसे निकालूंगी मैं एक प्लेट में। तो देखिए, 2 चम्मच मैंने इसमें से प्लेट में निकाल दिया है। और फ्रेंड्स, अब मैं इसी में से आधे पेस्ट में मिला लेती हूँ चॉकलेट पाउडर। तो देखिए, मैंने इसमें चॉकलेट पाउडर मिला लिया है और फिर से मैं लूँगी एल्युमिनियम फॉइल। तो देखिए, मैंने एल्युमिनियम फॉइल ले लिया है। आपको इसी प्रकार एल्युमिनियम फॉइल लेना है और इसे चिकना कर लेना है। तो देखिए, मैं अब इसे चारों तरफ से चिकना कर लूँगी। तो आप देख सकते हो मैंने इसे चिकना कर लिया है। अब हम लेंगे अपना खोवा जो कि मैंने मिल्क पाउडर से अभी बनाया था और इसे रख देंगे अपने एल्युमिनियम फॉइल के ऊपर। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने डो को इसके ऊपर रख लिया है। अब हम इसे करेंगे थोड़ा सा चिकना। चिकना करने के लिए मैंने इस पे हल्का सा घी लगा दिया है और इसी के ऊपर रख देंगे हम दूसरा एल्युमिनियम फॉइल। वैसे तो आप इसे भी फोल्ड कर सकते हो, लेकिन ये थोड़ा छोटा है। डायरेक्ट आप इसे अगर बेलन से इस तरह बेलेंगे तो यह आपकी बेलन पर चिपक जाएगा। तो आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि आपको इसे इसी तरह फैला लेना है, दूसरा एल्युमिनियम फॉइल लेना है और इसे चारों तरफ फैला लेना है। तो देखिए, मैंने इसे फैला लिया है, आप देख सकते हो मैंने किस प्रकार इसे फैलाया है। और इसी के ऊपर हम डालेंगे अपना चॉकलेट वाला फ्लेवर। फ्रेंड्स, मैंने इसमें चॉकलेट पाउडर मिलाकर अभी अभी इससे इसका थोड़ा अलग अलग कलर कर लिया था। तो देखिए, इसे भी मैं धीरे धीरे इसमें फैला लूँगी।
तो देखिए इस प्रकार मैंने इसे फैला लिया है, आप देख सकते हो। और अब मैं इसे करूंगी फोल्ड। तो देखिए फ्रेंड्स, इसे भी मैं धीरे धीरे फोल्ड कर लूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसी तरह का इसे भी इसका रोल बना दिया है और इसे मैं फ्रिज में रखूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं 10 से 15 मिनट हमारे रोल को फ्रिज में रखे हो चुका था। अब मैं अपने रोल को ओपन करूंगी। वाओ, देखिए हमारी चॉकलेट वाली बर्फी मिठाई तैयार हो चुकी है। इसके ऊपर की तरफ भी काफी चॉकलेट दिख रही है। तो देखिए अब मैं इसकी आपको कटिंग करके दिखाऊंगी। ये थोड़ा गोलाई ही नहीं है फ्रेंड्स। अब मैं इसकी कटिंग कर लूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है इनकी मैंने कटिंग कर ली है। अब आप चाहो इसे उस तरीके से अपनी ट्रे में सर्व कर सकते हो। तो देखिए मैंने इसे अपनी ट्रे में सर्व कर दिया है। आप इसे चाय के साथ, दूध के साथ या ऐसे भी इसे एंजॉय कर सकते हो। यह खाने में बहुत ही टेस्टी और बहुत ही बढ़िया लगेगी। देखिए आप देख सकते हो ये कितनी सोहनी लग रही है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियो का लिंक मिलता रहेगी।